यूपी के संभल में इंसानियत शर्मसार। पत्नी का गला काटकर थाने पहुंचा शख्स, अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या। मंगलवार का दिन था, पत्नी वीडियो कॉल पर किसी अनजान शख्स से बात कर रही थी। इतने में ही उसका पति दफ्तर से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच शक की एक सुई ने विवाद खड़ा कर दिया। पहले बहस शुरू हुई, फिर मामला हाथापाई तक पहुंचा। इसके बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति का कॉन्फिडेंस देखिए, वो खुद ही थाने पहुंच गया और बोला कि मैं अपनी पत्नी को मार कर आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। आरोपी के खिलाफ गवाही दी उसके मासूम बेटे ने, जिसने कहा कि पापा ने ही मम्मी का गला काट दिया। नमस्कार, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। करवा चौथ को बीते अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और इसी बीच यूपी के संभल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। यहां अवैध संबंधों के शक के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और अपना गुनाह कबूल किया। दिल दहला देने वाली इस घटना ने संभल पुलिस को भी हिला कर रख दिया है। दरअसल संभल के हजरत नगर गढ़ी इलाके में रहने वाले सोनू सैनी की शादी 7 साल पहले मुरादाबाद की राखी से हुई थी। आरोप है कि पिछले कुछ वक्त से सोनू की पत्नी राखी फोन पर काफी बिजी रहती थी। उसके पास अक्सर कॉल आते रहते थे, जिसको लेकर पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। उसका पति सोनू उसे शक की निगाहों से देखने लगा। मंगलवार को जब सोनू काम पर गया तो दोपहर में अचानक घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अनजान शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बस फिर क्या था, पत्नी को दूसरे शख्स से वीडियो कॉल पर बात करता देखकर पति सोनू भड़क उठा। दोनों के बीच बहस शुरू हुई जो बाद में लड़ाई में बदल गई। इसके बाद सोनू ने अपनी पत्नी राखी की चाकू से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद पति अपने बच्चों को साथ लेकर खुद ही सिरसी पुलिस चौकी पहुँच गया और पुलिस के सामने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह मृतक महिला का बेटा बना। बेटे ने पुलिस को बताया, पापा ने ही मेरे सामने चाकू से मम्मी का गला काट दिया। उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने मां का हाथ पकड़ा था। बताया जा रहा है कि मासूम का बयान दर्ज करवाते वक्त पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। रेखा नाम की जिस महिला की हत्या उसके पति ने कर दी, उसकी उम्र महज 27 साल थी। 27 की उम्र में 3 बच्चे थे। पति ने अवैध संबंधों के शक के चलते अपनी पत्नी को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उन सब मासूमों का क्या जिनके सर से मां का साया हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में आज दोपहर में सिरसी चौकी पे एक व्यक्ति द्वारा आके बताया गया कि उसने अपनी पत्नी 27 वर्षीय राखी उसकी उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी है। इस बात पर चौकी प्रभारी द्वारा तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसे पूछताछ की तो पता चला कि इस व्यक्ति द्वारा बताया कि इसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध थे। इन अवैध संबंधों के चलते इसने कई बार उसको वार्न किया, वो नहीं मानी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। इस पर मृतका के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर गई थी और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।